नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। मणिपुर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मणिपुर के इम्फाल पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का विजन, विचारधारा और भाषा अन्य सभी भाषाओं और विचारधाराओं से श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा और आरएसएस मणिपुर आते हैं तो वो इस समझ के साथ नहीं आते, उनमें श्रेष्ठता की भावना आती है, लेकिन मैं श्रेष्ठता की भावना से नहीं, विनम्रता के साथ आता हूं। राहुल ने कहा कि एक तरफ तो पीएम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो दूसरी तरफ नोटबंदी करते हैं, वो आपका भविष्य पर बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने पाम ऑयल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पाम ऑयल मणिपुर के लोगों की मदद करेंगे या कंपनी पतंजलि और दो या तीन बड़े व्यापार की मदद करेंगे। एक तरफ मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे, दूसरी तरफ नोटबंदी करेंगे। नोटबंदी क्यों की? गलत जीएसटी क्यों लागू की? दो तीन बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए गलत जीएसटी, नोटबंदी उन्होंने की। और अब यहां ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर बाय क्रिएटिंग पाम ऑयल प्लांटेशंस। ही वॉन्ट्स टू टेक योर ब्यूटिफुल स्टेट and he wants to create palm oil plantations. Now I want to ask you, who exactly are these palm oil plantations going to help? Are they going to help the people of Manipur? Or are they going to help companies like Patanjali? Are they going to help the two or three really large businesses in the country? The same businesses Notbandi helped, the same businesses a flawed GST helps, the same businesses the farm laws are designed to help. That is not our vision for Manipur. इम्फाल में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने मेरे भाषण पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, क्या ऐसा नहीं था कि मैंने कहा कि भारत राज्यों का संघ है? हमारे देश की दो परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा है कि ये राज्यों का एक संघ है, लोगों का एक संघ है, जहां भारत में हर एक राज्य का समान अधिकार है। राहुल गांधी ने कहा कि वन आइडिया भाषा है, जो हर किसी विचार भाषा से ऊपर, लेकिन हमारे देश के पीएम इस आइडिया से आते हैं कि वो उच्च भाषा से हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में गृह मंत्री वरिष्ठ नेताओं को बुलाते हैं और उनसे जूते उतरवाते हैं, लेकिन खुद पहने रखते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।